वुमेन्स आईपीएल फोर्थ मैच, वुमेन्स आईपीएल का 14वां मैच गुजरात जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, इसकी हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। दिल्ली कैपिटल्स पहले बॉलिंग कर रही है, गुजरात जायंट्स पहले बैटिंग। सोफिया डंकली और लोरा बोलवडाट गुजरात जायंट्स के लिए ओपन करने आई और सोफिया डंकली ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई और पहले ओवर में ही मैजन काप का शिकार बनी। मैजन काप ने सोफिया डंकली को आउट किया और गुजरात जायंट्स का पहला विकेट गिरा। सोफिया डंकली 6 ओवर में 4 रन बनाकर आउट हुई। उसके बाद क्रीज पर आई हरलीन देओर और लोरा बोलफाट के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। हरलीन देओर ने काफ़ी बढ़िया बढ़िया शॉट्स लगाए और लोरा बोलफाट भी बढ़िया खेल रही थी। दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई और गुजरात जायंट्स को आगे लेकर जा रहे थे। दोनों ने काफ़ी बढ़िया बढ़िया शॉट्स खेले। हरलीन देओर काफ़ी बढ़िया टच में है इस आईपीएल में, जो कि पता लग रहा है। और लोरा बोलवडाट, जो कि साउथ अफ्रीका की बहुत तकड़ी ओपनर बल्लेबाज बढ़िया प्लेयर हैं, दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। हरलीन देओर काफ़ी बढ़िया खेली और लोरा बोलफाट भी बढ़िया खेल रही थी। दोनों के बीच 50 रन पार्टनरशिप हुई। उसके बाद हरलीन देओर हो गई आउट। उसके बाद क्रीज पर आई एशले गार्ड और लोरा बोलफाट के बीच एक बहुत ही बढ़िया साझेदारी। तीसरे विकेट के लिए लोरा बोलफाट और एशले गार्डन के बीच एक बहुत ही बढ़िया साझेदारी हुई। लोरा बोलफाट और एशले गार्डन दोनों ने 50 स्कोर किया। दोनों ने 50 बनाई और बहुत बढ़िया बैटिंग की और गुजरात जायंट्स के स्कोर को अच्छा स्कोर की तरफ लेकर जा रही थी। लोरा बोलफाट काफ़ी बढ़िया खेल रही थी, काफ़ी बढ़िया बढ़िया शॉट दिखा रही। दोनों के बीच 50 पार्टनरशिप हुई और एशले गार्डन भी काफ़ी अच्छा खेली। एशले गार्डन ने काफ़ी बढ़िया बैटिंग की, लोरा बोलफाट भी काफ़ी बढ़िया खेल रही थी और आकर्षक शॉट लगा रहे थे। 16 ओवर के बाद 110 रन थे गुजरात जायंट्स के और बोलफाट का अर्धशतक हो गया पूरा इस शॉट के साथ। और एशले गार्डन भी काफ़ी बढ़िया खेल रही थी, एशले गार्डन भी काफ़ी बढ़िया पारी खेल रही थी, 30 रन बना चुकी थी। लोरा बोलफाट ने उसके बाद काफ़ी बढ़िया बढ़िया शॉट लगाए और काफ़ी बढ़िया खेल रही थी। लोरा बोलफाट के आउट होने के बाद एशले गार्डन ने बेड़ा संभाला और एशले गार्डन ने भी 50 स्कोर किया और गुजरात जायंट्स को 105 रन स्कोर तक ले गई। एशले गार्डन की छुट्टी हुई पूरी और गुजरात जायंट्स ने अपनी निर्धारित 20 ओवर में 147 रन बनाए। गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 148 रन का लक्ष्य रखा और 148 रन का लक्ष्य का पीछा करने आई शेफाली वर्मा और मैगलैनिंग और शेफाली वर्मा क्रीज पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए। शेफाली वर्मा ने एक बढ़िया शॉट लगाया जो कि 6 रन के लिए गया, काफ़ी बढ़िया आई, पर उसी ओवर में कन्वर ने उन्हें होल्ड कर दिया, आउट कर दिया। शेफाली वर्मा हुई आउट और दिल्ली का पहला गेम विकेट गिरा 10 रन पर। शेफाली वर्मा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई और 8 रन के स्कोर पर आउट हो गई। 7 ओवर में 8 रन बनाए शेफाली वर्मा ने। शेफाली वर्मा के आउट होने के बाद क्रीज पर आई कैप्सी। मैगलैनिंग और एलिस कैप्सी के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। एलिस कैप्सी अपने आक्रामक अंदाज को जारी रख रही थी और काफ़ी आक्रामक खेलती हैं एलिस कैप्सी और बढ़िया बैटिंग कर रही थी। एलिस कैप्सी के काफ़ी आक्रामक शॉट्स देखने को मिले और दूसरे छोर पर मैगलैनिंग भी काफ़ी बढ़िया खेल रही थी। मैगलैनिंग आउट हुई, स्नेह राणा ने मैगलैनिंग को चलता किया इस बॉल पर। स्नेह राणा की इस बॉल पर मैगलैनिंग LPW आउट हुई। मैगलैनिंग आउट हुई 15 ओवर में 18 रन बनाकर दूसरा विकेट गिरा दिल्ली कैपिटल्स का। मैगलैनिंग के आउट होने के बाद क्रीज पर आई जमाइमा रोड्रिक्स और एलिस कैप्सी के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और एलिस कैप्सी रन आउट हो गई। 11 ओवर में 22 रन बनाकर एलिस कैप्सी आउट हुई। उसके बाद तुरंत बाद ही जमाइमा रोड्रिक्स भी कोर्ट बिहाइंड आउट हो गई और दिल्ली कैपिटल्स का भी ट्रबल में आई। 4 विकेट बहुत जल्दी खो दिए दिल्ली कैपिटल्स ने। उसके बाद क्रीज पर थे जोनासन और मैजन कैप, पिछले मैच के हीरो, पर इस बार ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। जोनासन 4 रन बनाकर आउट हो गई और मैजन कैप दूसरे छोर पर अच्छा खेल रही थी, पर मैजन कैप काफ़ी बढ़िया खेल रही थी, पर दिल्ली का और कोई बैटर नहीं टिका और दिल्ली ने 8 विकेट बहुत जल्दी खो दिए। दिल्ली को 27 ओवर में 38 रन चाहिए थे और अरुण दत्ती ने बहुत बढ़िया बैटिंग की। 26 ओवर में 37 रन की जरूरत थी और 8 2 ही विकेट। अरुण दत्ती काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर रही थी और दिल्ली की उम्मीदों को कायम रखा अरुण दत्ती और शिखा पांडे की इस जोड़ी ने। अरुण दत्ती काफ़ी बढ़िया बढ़िया शॉट्स लगा रही थी और दिल्ली कैपिटल्स को 16 ओवर में 15 रन की जरूरत रह गई थी। 16 ओवर में 15 रन चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को और अरुण दत्ती का विकेट मिला गुजरात जायंट्स को। अर्जुन दत्ती का विकेट मिला और 9वां विकेट गिर गया दिल्ली कैपिटल्स का। 13 बॉल में 13 रन की जरूरत रह गई और लास्ट विकेट था दिल्ली कैपिटल्स का। एशले गार्डन ने 9 बॉल में 12 रन चाहिए थे और पूनम को आउट कर दिया। उसने राणा ने पकड़ा कैच और यह मैच गुजरात जायंट्स ने जीत लिया। 11 रन से गुजरात जायंट्स ने मैच को जीत लिया। ये थी इस मैच की हाइलाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।